बस नहाऊंगा खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि अभी करते हैं नाश्ता जल्दी जल्दी से, उसके बाद चलते हैं बैंक क्योंकि बस बच गया है। इतना ज़्यादा फिर वैक्सीन लेने के लिए एक घंटा तो लग ही जाए। टेस्ट हो गया RT-PCR यार, पूरा नाक में घुसा दिया, हंसू में लगा। वैक्सीन ले लिया हूँ, दोनों डोज हो गया मेरा पूरा, हाथ पे दे दी। शाम के 7 बज गए हैं और अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है, अभी तक मुझे फीवर हुआ है। गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका एक नए ब्लॉग में, और अभी सुबह के 5:22 हो रहा है, तो अभी मैं जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए अभी सोचा ब्लॉग भी शूट कर लेता हूँ। और फिलहाल बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो अभी बारिश होगी तो अच्छा रहेगा, मौसम भी अच्छा है आज। और अभी फिलहाल मैंने सोचा है, मैं मुंबई जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं मुंबई जाने वाला हूँ, तो मेरी प्लान्स स्टार्ट हो गए हैं। और मैं जाने से पहले सोच रहा हूँ कि सारे काम वाम जो भी हैं यहाँ पे वो सब निपटा लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने सारे काम, उसके बाद फिर आराम से चलते हैं। तो आज मुझे बैंक भी जाना है, मुझे बैंक में थोड़ा काम है, और मुझे वैक्सीन भी लेनी है आज, मेरा 3 महीने हो गया वैक्सीन लिए हुए। तो अभी चलते हैं, पहले ब्रश व्रश करते हैं उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्रश करके आ गया हूँ और रेडी भी हो गया हूँ, आज बैंक जाना है, बैंक का सारा काम मुझे निपटा लेना है, क्योंकि मैं मुंबई जाने के लिए पूरा प्लान कर चुका हूँ, मुझे कब जाना है। मैंने टिकट तो अभी बुक नहीं कराया, बट वो भी मैं 2 या 3 दिन में करा लूँगा। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अभी जितना भी काम है यहाँ पर सारा निपटा लूँ, कि फिर वहाँ जाने के बाद अगर कुछ काम आ जाता है तो फिर वापस हवा फिर जाना तो थोड़ा सा ये होता है, तो इसलिए अभी सारा काम कर लेते हैं। और मुझे वैक्सीन का भी जो टाइम था वो हो चुका है, 3 महीने का पीरियड रहता है जो आप फर्स्ट वैक्सीन और सेकंड वैक्सीन के बीच में टाइम में जो गैप रहता है 90 दिनों का। तो अभी मैंने एक वैक्सीन जो लिया था वो फर्स्ट वाला, वो 3 महीने पहले, और अभी 90 दिन से ज़्यादा हो गया, एक्चुअली 10 दिन मेरा टाइम पूरे 10 दिन हो गया है, बट मेरे तबीयत जो था वो ख़राब था इसलिए मैंने वैक्सीन नहीं लिया। तो आज पहले चलते हैं बैंक का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद जाके वैक्सीन लेते हैं। अभी फ़िलहाल मम्मी रमपम बना रही है तो रमपम खा के चलते हैं बैंक। रमपम आ गया है तो अभी करते हैं नाश्ता जल्दी जल्दी से, उसके बाद चलते हैं बैंक क्योंकि 10 बज गया है और बैंक 10 बजे खुल जाता है। अभी फ़िलहाल मैंने नाश्ता कर लिया है, रमपम खा लिया, तो अब चलते हैं बैंक, बैंक का काम ख़त्म करते हैं क्योंकि 10:30 बज गया है, तो चलो चलते हैं। अभी मैं फ़िलहाल बैंक का काम ख़त्म करके आ चुका हूँ, बैंक का जो भी सारा काम था यहाँ पे वो मैंने आज ही निपटा दिया है सारा काम। और अभी 1 घंटा लग गया मुझे बैंक में खड़ा खड़ा, इतना भीड़ था आज बैंक में, और ऊपर से आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल मैं वापस घर आ गया हूँ बैंक का काम ख़त्म करके, और अभी घर आ गया हूँ तो अभी बस नहाऊंगा खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना अगर आप 10 से 11 बजे जाओ वैक्सीन सेंटर पे लेने के लिए तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, क्योंकि सब सवेरे ही आता है, कि सब सोचता है कि सवेरे आके ले ले, बट अब अगर 2-3 बजे के टाइम पर जाओ तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खाली रहता है, उस टाइम पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही वैक्सीन लग जाएगा। और आज सिर्फ मैं ही वैक्सीन लेने वाला हूँ, क्योंकि मम्मी पापा का भी टाइम पूरा हो चुका है वैक्सीन लेने का, और उन लोगों का भी 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और मेरा भी तो 90 दिन के बाद वैक्सीन लेने का ड्यूज रहता है, पर मेरा जो हो गया 105 दिन, मतलब 15 दिन ज़्यादा हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ वैक्सीन लेने के लिए, तो लेते हैं आज ही, क्योंकि अभी साथ में नहीं ले रहे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अब तक में तो आप लोग भी ले चुके होंगे वैक्सीन के, वैक्सीन लेने के बाद फीवर हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, हो ही जाता है 1 दिन के लिए, तो इसीलिए आज मैं ही ले रहा हूँ, और वो मम्मी पापा 2-3 दिन के गैप के बाद वो लोग लेंगे वैक्सीन। तो अभी बस नहाता हूँ खाता हूँ उसके बाद चलता हूँ वैक्सीन लेने के लिए। इतना ज़्यादा भीड़ वैक्सीन लेने के लिए, हाँ 1 घंटा तो लग ही जाएगा। टेस्ट हो रहा है कोविड का, अभी मेरा टेस्ट हो गया RT-PCR यार, पूरा नाक में घुसा दिया, हंसू में लगा। अभी वैक्सीन लेने के लिए बहुत लंबा भीड़ लगा हुआ है, 1 घंटा तो लग ही जाएगा वैक्सीन लेने के लिए, क्या करें अब लाइन में लगना पड़ेगा यार, जल्दी से ले ही लेता हूँ। अभी फिलहाल वैक्सीन ले लिया हूँ, दोनों डोज हो गया मेरा पूरा, और ये हाथ पे दे दिया है, जल्द कल आप चलता हूँ घर।
अभी फिलहाल मैं वैक्सीन लेके आ गया हूँ घर, और मैंने दोनों डोज, फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों डोज ले लिया है, और अभी फुल्ली वैक्सीनेट हो गया हूँ। अब मैं नहा के खाना खाया भी नहीं था और चला गया था वैक्सीन लेने के लिए, और मुझे भूख भी लगी, और एक घंटा पूरा लगा है वैक्सीन लेने में। एक घंटा लाइन में खड़ा रहा वैक्सीन लेने के लिए, उसके बाद जाके वैक्सीन मिला। वो भी ऊपर से भीड़ इतना ज़्यादा था ना, क्या बताऊँ। पहले क्या था, जब मैंने फर्स्ट डोज लिया था तो तरीका क्या था कि 45 सेंटर पे वैक्सीन दे रहा था, मतलब 45 जगहों पे वैक्सीन मिल रहा था। और अभी क्या कर दिया कि सब जगह पे बंद करके एक ही जगह वैक्सीन दे रहा है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ही लेट लग गया। और आते आते मैंने चाट भी खा लिया, भूख लगा हुआ था, तो अभी चाट खा के घर आया हूँ। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, तो अभी कालू को भेजा हूँ समोसा लाने के लिए, अभी वो समोसा लेके आता है, तो करते हैं नाश्ता फिर। और आप लोग भी वैक्सीन अगर किसी का बाकी है सेकेंड डोज भी, तो वो भी जल्दी से ले लो। मैंने जब फर्स्ट डोज लिया था तो मुझे पता चला था कि यार हाथ में अगर वैक्सीन लिया था तो हाथ पूरा दर्द कर रहा था दूसरे दिन, और बुखार भी हो गया था, फीवर। और इस बार जब वैक्सीन लिया मैंने तो उतना कुछ पता नहीं चला, अगर सुई भी दिया तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी तक तो मेरा ठीक है, अभी तक मेरा तबीयत भी ख़राब नहीं हुआ। अब देखते कि इस बार सेकेंड डोज में तबीयत ख़राब होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अगले डोज में तो इतना टाइम में पता चल गया था कि बुखार आने वाला है, बट इस आज जो लिया हूँ वैक्सीन, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है कि बुखार होगा कि नहीं होगा, पर देखते हैं चलो कि बुखार हाथ होता है या नहीं, फीवर होता है या नहीं। अभी कालू लेके आ गया समोसा, तो अभी नाश्ता करते हैं, भूख भी बहुत ज़ोरों से लगा हुआ था। समोसा कैसे बेच दें यहाँ पर, अभी 8 रुपया हमारे इधर तो 8 रुपया पीस है समोसा, आपके इधर कितना है कमेंट करके बताओ। अभी शाम के 7 बज गए हैं और अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं है, अभी तक मुझे फीवर हुआ और कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि फीवर होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि अगर तुम वैक्सीन लेने के बाद खाते पीते रहो तो फीवर नहीं होता है, बट मुझे तो ऐसा है कि नहीं था, ऐसा भी कुछ होता फीवर तो होगा ही, बट इसीलिए मैंने थोड़ा सा खा भी लिया था, चाट भी खा लिया, अभी कालो समोसे लिखा था तो वो भी खा लिया, तो अभी तक तो फिलहाल ठीक ही हूँ। और देखता हूँ फिर शायद कल अगर फीवर हो या तबीयत खराब हो तो आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।